नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं एस एन 7 न्यूज और हमें मुरादपुर निजाम सर में, और हमारे साथ हैं यहाँ के नव निरज धान जी, आई पेश है अनुसूच बातचीत। हमारे गांव में जी सबसे ज़्यादा समस्या पानी बहुत दूषित है जी, उससे बीमारियाँ काफ़ी फैल रही हैं जी, कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ा, शिक्षा का भी है, लड़कियों के लिए स्कूल काफ़ी दूर से हैं, इसके बारे में प्रयास चल रहा है, प्रस्ताव भी करके चले भेज दिया है, पानी टेस्टिंग हो चुका है तो मतलब बिल्कुल फेल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल जी, काफ़ी ज़्यादा खराब है जी। मिड डे मील पर तो काफ़ी हम अब जानकारी लेते रहते हैं जी, अब तो काफ़ी सुधार है जी। आप कुछ चलते हैं? हाँ बिल्कुल चलते हैं जी, मास्टरों को भी रहता है, टीचर भी चलते हैं जी, वो जो कोई मना सकती वहाँ पर रहता है उनको भी रहता जी, काफ़ी सुधार है। यहाँ ये शिकायतें काफ़ी स्कूलों में हैं जी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है, हम जो है कोचिंग निरीक्षण करते रहते हैं जी, हम किसी और को भेज देते हैं, अपनी कोई भी चलेगा। यहाँ पर तालाब तो दो तालाब हैं जी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर नदी बह रही है बराबर जी, पानी भी बहता हमारे नदी में जाता है, तालाब तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तालाबों की हमारी साफ सफाई चल रही है जी, इसमें सही है सब। हाँ, इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये साफ सफाई और ये बराबर पानी की सही चलते हैं जी, लेकिन ऐसी कोई खास समस्या नहीं आ, क्योंकि अभी तक गांव में देखा गया है कि जनता आक्रोशित है कि कोई राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर आए थे जी, क्योंकि हम खुद जानकारी लेते रहते हैं, शौचालय की स्थिति सही नहीं है जी, तो गवर्नमेंट कह तो देती है शौचालय बनवा एक नंबर, लेकिन जब हम वहाँ डिमांड करते हैं तो वो कभी कहते हैं कि समग्र काम के लिए है, कभी कुछ और योजना के लिए है, वो नहीं फिर कह दिया शौचालय। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी योजना है वो पात्र को जी, पात्र को किसी को ना मिलते हमारा पूरा प्रयास यही रहता है। मैं सत्येंद्र सिंह, ग्राम प्रधान मुरादपुर निजाम सर, अपने सभी देशवासियों को और ग्रामवासियों को ईद और शिवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं S7 न्यूज़ और मैं मुरादपुर निजाम सर में। यहाँ पर हम आपको एक घटना बताते चले कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर दबंगों की दबंगाई चल रही है। हमारे साथ एक गरीब परिवार है, इनके साथ ना सिर्फ धोखा किया गया बल्कि बहुत ज़्यादा इनके साथ बदतमीजी भी की गई है। इनकी ज़मीन को बिना पैसे दिए धोखे के साथ यहाँ पर हड़पा गया है, और जब इन्होंने उस के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनकी धर्मपत्नी के साथ बदतमीजी की गई और पुलिस में भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए खुद इनसे ही जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। जी, पहले तो मैं अपना नाम जानना चाहूँगा। सोमपाल जी। सोमपाल जी, सोमपाल जी, क्या घटना है ये? साहब का नाम करवालिया पैसा नहीं। कितनी जमीन थी आपकी? दो बीघे जमीन थी। जिसके नाम का नाम हुआ? हाँ जी, अनु मतलब जिन्होंने आपके साथ ही जबरदस्ती की है, फ्रॉड किया है, क्या नाम है उनका? जमीन तो अनूप ने ली है, बाकी धोखाधड़ी जो करी धर्म भी न करी है। तो किस तरीके से धोखाधड़ी की गई आपके साथ? पैसे नहीं दिया गया, क्या हुआ? पैसा नहीं दिया और बैनामा करवा लिया, तो जबरदस्ती करवाया था। हाँ, कि हम पैसा गांव में चल के हिसाब कर देंगे जी, लेकिन जब गांव में आए तो आपको पैसे नहीं दिया गया। नहीं दिया, एक महीने तक पीछे घूमे जी। तो इसके अलावा आपकी धर्मपत्नी के साथ कुछ? अब गाली गलौज करी जी, बदतमीजी करके गया जी। क्या किया गया? गाली वाली दी आकर, इन्हों को पूछा कि वो कहाँ है जी, मतलब ये यहाँ नहीं है, और इन्होंने गाली वाली दी, बदतमीजी करी, हाथ पकड़ खाली फेंक दिया, मेरे साथ ही बदतमीजी करी, गाली वाली दी। धर्मवीर का लड़का था जी, क्या नाम है उसका? नीसू जी। और कौन था? वो एक का पता नहीं, कौन जान से मार देंगे ये कह रहे हैं। पुलिस में गए सर, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या होगा? सच्चाई साहब, हमारा ऐसा ऐसा मसला है और हमारे हमें धमकी दी गई, हमारा हमारी खड़ी फसल जो होती है जी। पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, पुलिस आई खाना पूर्ति कर रही थी जी। पाँच तारीख शाम को 8:30 बजे। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर दबंगाई चल रही है, और पुलिस प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, उनको बजाय इन गरीबों की मदद करने के मारने की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं S7 न्यूज़ और हमें फिलहाल एक ग्राम अगराड़ा में
और यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाते हैं। यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आग लग रही है और देखने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई बिजली वाला, ना यहाँ का प्रधान, ना कोई जेई, ना कोई अधिकारी, किसी को भी इसकी सुध नहीं है कि अगर ये ट्रांसफार्मर कुदरत से आग लग जाती है और ये ब्लास्ट हो जाता है, दुर्घटना हो सकती है, इसमें कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है।